आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप बहुत ही ज़्यादा चटपटा चाट आपके घर पे किस तरीके से बना सकते हो। कटिंग से लेके बनाने तक आपको 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है और ये झटपट बनके तैयार हो जाएगा और आप इसे एंजॉय कर सकते हो। तो वीडियो को बना लेट किए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले बारीक कटा वाला प्याज लेना है आपको, आप कम या ज़्यादा ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं बारीक कटा वाला टमेटो डाल दे रही हूँ और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची है। उसके बाद यहाँ पे मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा, और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच से ज़्यादा, और साथ में थोड़ा सा नमक डालना है आपको। ज़्यादा नमक नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको इसे अच्छे तरीके से चला लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ कुरकुरे रूस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैं ये वाला कुरकुरा यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो आप वैसे यहाँ पे आपके टेस्ट के हिसाब से आप कोई सा भी ले सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे वेफर भी ऐड कर रही हूँ। और साथ में ही 3rd one इज आलू भुजिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा चटपटा होता है। तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, लाइक आप सिर्फ एक चीज़ों से बना सकते हो या 2 चीज़ों से, इट्स टोटली अप टू यू। देन आफ्टर यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पे टमेटो केचप का इस्तेमाल किया है। उस ये डालने के बाद आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। टमेटो केचप का टेस्ट ना बहुत मस्त लगता है, मुझे बहुत पसंद है, और ये टेस्ट को इन्हांस कर देता है इसमें अगर आप डालोगे तो। तो अब आप देख सकते हो मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। बाय द वे ना ये बहुत अच्छा लगता है, अगर आप बनाओगे ना आपका रोज़ खाने का मन करेगा। बट हाँ, आप रोज़ मत खाना बिकॉज ये हेल्दी नहीं होता इतना, बट कभी काल चल जाता है। तो आप देख सकते हो अगर आपको कभी बना के खाना हो तो आप इसे वैसे बना सकते हो। तो हाँ, ये अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे टमेटो केचप अगेन मैं डाल रही हूँ। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद होगा तो आप ऑफकोर्स डालिए, अदरवाइज़ आप नॉर्मली यहाँ पे बस प्याज और जो टमेटो होता है ना आप ऊपर से डाल सकते हो। अगर आपको पसंद होगा तो आप डालिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप देख सकते हो इसकी प्लेटिंग हो गई है, आप ही से बनाई। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बताइए। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूँ, तो नॉर्मली हम ये कभी काल खाते हैं, तो कभी काल अगर आप खा रहे हो तो आप इस तरीके से बना के खाइए, इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और हाँ, आपको वैसे भी ये डेली खाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये हेल्दी तो है नहीं, बट कभी काल सबका मन करता है, तो जब आपका मन करे तो आप भी इसे बना लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।